नमस्कार, माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। ये जो वीडियो सीरीज चल रही है ये स्टडी टिप्स के बारे में है, बेहतरीन स्टडी टिप्स, जिसमें करंट टॉपिक जो चल रहा है वो है माइंड पावर अफर्मेशंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। इसके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ ये बाकी के वीडियोस मेरे शेयर किए हैं। ये उन वीडियोस की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर रेफर कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक, ब्रेन वर्कआउट, एंशियंट टेक्निक, माइंड पावर अफर्मेशन, वैक्स स्टाइल, माइंड मैप, रिवीजन फॉर्मूला, लीडरशिप क्वालिटीज, ओवरकमिंग एग्जाम फियर, ये नाम से मेरी बाकी वीडियो सीरीज है। अभी जो ये करंट टॉपिक है वो है अफर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स, और जो अभी का टॉपिक है वो है पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी एक ऐसी बेहतरीन योग्यता है जो अगर आप पूरी नॉलेज भूल भी जाएं और केवल आपके अंदर एक ये गुण मौजूद हो कि आप प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हो, ये कैपेबिलिटी अगर आपकी विकसित हो गई है, डिवेलप हो गई है, तो लाइफ में आगे आने वाले सारे चैलेंजेस को आप बड़ी आसानी से टेक केयर कर सकते हो, जीवन को खुशहाली से जी सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी डिवेलप करना बेहद बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस कैपेबिलिटी का मतलब सिंपल सा क्या है, हर एक के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, लेकिन उसको इवोक करना, उसको ट्रिगर करना, उसको बार बार अपने अंदर से जगाना, तरह तरह की प्रॉब्लम्स का, इसको कहने में तरह तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे डील किया जाता है, रास्ते में आने वाली बाधाओं को कैसे लांग के उसके पार जाया जाता है, चुनौतियों को किस प्रकार से ओवरकम किया जाता है, किस तरह से एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदला जाता है, ये सोच, ये थिंकिंग आपको डेवलप करनी है। ये वीडियो में मैं आपके साथ यही टेक्निक्स शेयर कर रहा हूं, कैसे आप अपने अंदर ये डेवलप कर सकते हैं। जो पत्थर आपकी मंजिल के रास्ते में बाधा डालते हो, आप उसी को मंजिल की सीढ़ी बनाकर अगर निकल सकते हो तो वही आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी का बिल्कुल देसी बेसिक वाला उदाहरण। जो पत्थर, जो प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हुई है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, एक नई सीखने की, कुछ नया सीखने की पावर आपकी बन जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। किस तरह से वो आप कर सकते हैं, इसका एक और पॉइंट मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। दिमाग जब कमजोर होता है ना, तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। समस्या आमतौर पर जो प्रॉब्लम वर्ड लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन दिमाग जब स्थिर होता है, कॉन्स्टेंट होता है, टिका हुआ होता है ना, थोड़ा सा मजबूत होता है, तो चुनौती बन जाती है, चैलेंज बन जाता है। और अगर स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, अच्छे से मजबूत दिमाग होता है, तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं, अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं। आप बताइए आपका दिमाग कैसा है, दिमाग की कैपेबिलिटी को आज से, अगर आपको फील होता है कि आपके लिए अभी भी समस्याएं लाइफ में बची हुई हैं, इसका मतलब है कि अपने बात को अभी तक ठीक से समझा नहीं है। जीवन में समस्या नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं ना। मैंने ये वर्डिंग भी यूज करी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, क्योंकि लोग इसी नाम से जानते हैं। अदरवाइज आप मेरे इस टॉपिक को पहचान ही ना पाते, इसलिए मुझे ये वर्डिंग यूज करनी पड़ी। बट अदरवाइज इसका अवसर, अगर मैं सीधा सीधा कहूं, तो एक्चुअली ये है कि अवसर को, अपॉर्चुनिटी को कैश करने की योग्यता। एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, कुछ सीखने का मौका आपके सामने है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो, आपके हाथ में है। तो अभी ये जो अफर्मेशन है किस तरह से काम करते हैं, ये मैंने बाकी वीडियोज में समझाया हुआ है। अब मैं आपको इस समय बता रहा हूं कि मेरे अंदर, हमारे अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कैसे बढ़े। ये किसी के लिए भी ट्रू है, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि केवल स्टूडेंट के लिए ही काम आएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी तो हर इंसान को हर समय हर चीज के लिए चाहिए। जीवन के हर मौके पर एक गृहिणी को अपने घर में जो समस्याएं आती है वो भी एक प्रॉब्लम ही है, ऑफिस में जो आपको समस्याएं आती है वो भी एक तरह की, वो भी प्रॉब्लम है जिसको आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से जो डे टू डे लाइफ में कुछ भी, जो भी हम डील करते हैं, हमें हजार हजार तरह की समस्याएं आती हैं, जिनको हम समस्याएं कहते हैं, इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं,
तो इसको किस तरह से अपॉर्चुनिटी में बदला जाता है, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की जाए कि वो उन प्रॉब्लम्स को नाम ही अपॉर्चुनिटी का देना शुरू कर दे। तो आई एम ए ग्रेट प्रॉब्लम सोल्वर, ये आप अपने आप को बता रहे हो। आई एम ए ग्रेट प्रॉब्लम सोल्वर, आई एम ए ग्रेट प्रॉब्लम सोल्वर, ये आप अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि मैं एक महान प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूं, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, चाहे वो खुद के पास है, चाहे वो किसी की तरफ डायरेक्ट कर देने की कैपेबिलिटी आपकी है, चाहे वो किसी तरीके से मौके को पहचान कर उसके हिसाब से कहां से हेल्प ले लेने की आपकी कैपेबिलिटी है। सॉल्यूशन तो आप ही को लगाना है ना, इसका मतलब ये जरा ध्यान से समझिए इसका आंसर, इस लाइन का मीनिंग क्या है। मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास आती है ना वो अपना सोल्यूशन साथ लेकर आती है, ये आप अपने आप को बता रहे हो। यू आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। कई बार लोग है ना सिर्फ प्रॉब्लम को ही पकड़ के बैठे रहते हैं, प्रॉब्लम की ही काट छाट करते रहते हैं, इधर से उधर उधर से उधर प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। यू बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, एक ब्राइट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। आप सोल्यूशन का पार्ट बने कि समस्या है माना, सुलझाएं कैसे, दैट इज द बिलियन डॉलर क्वेश्चन, सुलझाएं कैसे, वो आपका काम है। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को प्रोग्राम कीजिए कि आपके माइंड की जो कैपेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, वो बढ़ती जा रही है। मेरे पास आते ही प्रॉब्लम अपना सॉल्यूशन खुद बता देती है। अभी आप अपने आप को ट्रिगर कर रहे हो, अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो। ओ माय सबकॉन्शियस, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, व्हेनेवर एनी प्रॉब्लम अपीयर्स बिफोर यू, इट बिकम्स अ सॉल्यूशन। ये आप अपने आप को बता रहे हो, अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हो। सो पावरफुल, ये इतनी बड़ा मशीन नेचर ने आपके अंदर लगा रखी है, ये इतनी पावरफुल टूल है, इसका जिस तरीके से आप इस्तेमाल करें उतना ज्यादा आप अपने अंदर के पोटेंशियल को लिवरेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम मेरी कैपेबिलिटी को और बढ़ा देती है, ये आप अपने आप को फिर से प्रोग्राम कर रहे हो। हर प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आती है, आपकी लिमिट्स को इंक्रीज करने के लिए आती है, आपके अंदर एक नया जोश भरने के लिए आती है, आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करने के लिए आती है। आपने वो छोटा सा उदाहरण सुना होगा, एक कोकून जो होता है, कोकून कोकून होता है, तितली जब बनी नहीं है, तितली वो अंडे के रूप में है, वो छोटी सी अंडे के रूप में तितली वहां पर पड़ी हुई थी कहीं बगीचे में, और एक बच्चे ने ये देखा कि वो तितली अपने परों को फैलाने के लिए संघर्ष कर रही है, वो अंडे के अंदर कैद है। अभी अंडे की मोटी जो परत है वो इतनी थिक है कि तितली को पूरा जोर लगाना पड़ रहा है अपने परों को, उसके पर कमजोर हैं, उस पर वो पूरा जोर लगा रही है। इस बच्चे ने सोचा कि ये तो बहुत परेशान हो रही है, मुझे इसकी कुछ हेल्प करनी चाहिए। उस बच्चे ने अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की, और वो जो अंडा था उसकी जो शेल थी उसको थोड़ा सा काट दिया साइड से। उस तितली ने जैसे ही अगली बार पंख ऊपर किए वो वहां से निकल आई बड़ी बड़ी आसानी से, पर सारी जिंदगी वो तितली उड़ नहीं सकी। आपको समझ में आई बात? आप बहुत स्मार्ट हैं, बड़े प्यार से बात को समझ सकते हैं। ये इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जब लाइफ का हर चैलेंज, हर प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आती है, अगर वो जो संघर्ष जो तितली करती है उससे बाहर निकलने का, वो उसके परों को मजबूती देती है, उसके परों में ताकत आती है। इन जगह पर जो ताकत आई है, हम सबके हाथ पैर भी अगर सही सलामत हैं, अगर हमने सारी जिंदगी इनका यूज ही ना किया होता तो हम निढाल पड़े होते कहीं पर। तो ये हर चैलेंज आपके लिए एक नया अवसर है, एक नई अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, इसलिए लोग मुझे संकट मोचन भी कहते हैं, द ग्रेट फायर फाइटर, प्रॉब्लम सॉल्वर। ये आप अपने आप को लेबल दे रहे हो, हमारा माइंड लेबल की भाषा समझता है, अपने आप को दे रहे हो आप, आई एम ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं संकट मोचन हूं, मैं जहां जाता हूं समस्याएं अपने आप सॉल्यूशन में बदल जाती हैं। ये आप अपने आप को लेबल दे रहे हो, अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का एक बेहतरीन तरीका है ये भी, लेबलिंग करना, अपने आप को लेबल देना।
तो ये संकट मोचन, आप अपने आप को लेबल अगर दे सकते हो तो जरूर दीजिए, इट विल बी सो ग्रेट। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस जो लेबल आपको दिया गया है, किसी बच्चे को आप शरारती कहना शुरू कर दे, शरारती 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 शरारती, ना चाहते भी एक दिन शरारती बन जाएगा। आप अपने आप को संकट मोचन कहना शुरू कर दीजिए, संकट मोचन संकट मोचन संकट मोचन संकट मोचन, आप एक दिन संकट मोचन बन जाएंगे। आपकी अपनी कैपेबिलिटी पर है। मेरे आते ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बदल जाती हैं। हर प्रॉब्लम को मैं चैलेंज की तरह लेता हूं और सोल्व करके दिखाता हूं। ये आप अलग अलग तरीके से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो। हर प्रॉब्लम को मैं एक सॉल्यूशन चैलेंज की तरह लेता हूं और सोल्व करके दिखाता हूं। प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद दोस्तों की वाव सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाव ग्रेट मैन यू डिड इट अगेन यू डिड इट, लोगों की वाव सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आप अपने आप की प्रोग्रामिंग कर रहे हो फिर से कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी तुम्हारी होती है तो लोग, सारी दुनिया अप्रिशिएट करती है। लोग कहीं पे भी अटके हुए हैं, किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम सामने अटकी हुई है, आप जाते हो, आप कुछ तिकड़मबाजी लगाते हो, सोचते हो, बात को देखते हो, वो आइडिया कहां से क्लिक करता है, वो पावर कहां से आती है, वो आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग से आती है। ये प्रोग्रामिंग आप अपने आप की कर रहे हो कि आई एम ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। जब भी प्रॉब्लम आती है मेरी कैपेबिलिटी जो है वो हजार गुना बढ़ जाती है। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को देखते ही मेरी जो बेस कैपेबिलिटी है वो हजार गुना बढ़ जाती है, हजार गुना आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। सोचिए ये एक्चुअली सॉल्यूशन प्रोवाइड करना माने अपनी कैपेबिलिटी को आप चैलेंज कर रहे हो, अपने आप को आप प्रोग्राम कर रहे हो कि उस समय के लिए मेरे पास एक खास एनर्जी स्टोर्ड है, जैसी समस्या आई मेरा वो पॉइंट ट्रिगर हो जाता है मेरे अंदर। मेरे दोस्तों में जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो वो मेरे पास आते हैं। ये आप अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि लोग आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए आपके पास आते हैं। याद रखना दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है ऐसा हो तो ऐसा होगा, लोग आएंगे। यू विल बी एबल टू हेल्प डेफिनेटली व्हेन यू प्रोग्राम योर सेल्फ फॉर हेल्पिंग। जो लोग सहायता करना चाहते हैं नेचर उन्हें पूरे पूरे चांस दे दी है कि वो सहायता कर सकें, उनको कैपेबिलिटी दी जाती है, ताकत दी जाती है। पैसा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होगी तो किसी को कुछ दे पाओगे, जिसके पास होगा ही नहीं वो बेचारा देगा क्या। तो अपने अंदर वो कैपेबिलिटी लाइए ना, वही आपको बताया जा रहा है। दोस्त मुझे संकट मोचन कहकर बुलाते हैं, आई एम ए ग्रेट फायर फाइटर। जब आग लगी होती है तो लोग मुझे याद करते हैं, आई एम ए ग्रेट फायर फाइटर। ये कैपेबिलिटी आप अपने अंदर जगा रहे हो, ग्रेट फायर फाइटर, ग्रेट फायर फाइटर, ग्रेट फायर फाइटर। ये अफर्मेशन आप लिखकर भी लगा सकते हो, अपने घर पर लगा सकते हो, अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए, अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए। मेरी वॉइस में इस लेक्चर को आप बार बार सुनिए। अगर आप मेरी वॉइस में ये अफर्मेशन एक खास तरह का अल्फा म्यूजिक ऐड करके, आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करने के लिए अल्फा म्यूजिक ऐड किया जाता है, मेरी साइट पर ऑडियो फॉर्म में ये अवेलेबल है। आप जरूर उनका इस्तेमाल करें और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी साइट पर ऐसे mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे ऑडियो वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको आप यूज़ करें, लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।